हिसार में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों के साथ हिसार के लघु सचिवालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रभारी अनिल जैन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सहित भाजपा के हजारों समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान बृजेंद्र ने हिसार के लघु सचिवालय में आकर अपना अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ऐसा है कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि लोकसभा का चुनाव जो है उसमें राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो प्रमुख तौर पर सामने आने चाहिए, जिनका उल्लेख अभी आपके सामने श्री डॉक्टर अनिल जैन जी ने किया। लेकिन उसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हरियाणा सरकार पिछले 4.5 साल चली है आदरणीय मनोहर लाल जी की नेतृत्व में, जिस प्रकार का स्वच्छ प्रशासन उन्होंने दिया है, जिस पारदर्शिता से लोगों को नौकरियां दी गई हैं, एक सबका साथ सबका विकास जिस हिसाब से किया गया है, 90 के 90 हलकों में जिस प्रकार से समान विकास किया गया है, ये ना ध्यान में रखते हुए कि वहां से बीजेपी का विधायक है या कोई और है, यही सब मुद्दे हैं जिनको लेके हम चुनाव में जाएंगे। और जहाँ तक यदि स्पेसिफिकली हिसार की बात करें तो हिसार एक बहुत बड़ा हलका है जिसमें प्रमुखतः ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन उसमें उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा अर्बन एरिया भी उसमें है। सो मुद्दे दोनों तरह के हैं, किसानों के मुद्दे हैं सर्वोपरि रहेंगे, शहर के मुद्दे हैं, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो इशू है, हिसार बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है, लेकिन यदि हमें युवाओं के लिए और रोज़गार के अवसर पैदा करने हैं तो उस और ज़्यादा उसको बल मिल सके, उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, उसकी तरफ ध्यान रहेगा, कौशल विकास की तरफ ध्यान रहेगा। और ये जनरलाइज्ड हो गया स्पेसिफिक पहला काम नहीं, स्पेसिफिक तो पहला काम तो चुनाव लड़ना है, भी उसके बाद देखेंगे।